आप भी मेरी तरह इंस्टाग्राम चलाते होंगे। ऑब्वियसली भाई आज के टाइम पे कौन इंस्टाग्राम नहीं चलाता। देन आपने कभी नोटिस कराया कि आपकी इंस्टाग्राम की फीड में कुछ ऐसी रील आती है जो होती तो 30-40 सेकंड की है, लेकिन वो आपके दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि आपका दिमाग उसको पूरी देखने पे मजबूर हो जाता है। देन इस कारण आप उन वीडियो को स्किप भी नहीं कर पाते। देन इसी कारण आप उन वीडियो के व्यूज भी देख लेना, उन वीडियो के आपको व्यूज मिलियंस में देखने को मिलेंगे। इस कारण उनके अकाउंट भी काफी जल्दी ग्रो होते हैं, उनको काफी अच्छे फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर देखने को मिल जाते हैं और वो अच्छा खासा कमाने लग जाते हैं, वो भी काफी कम टाइम में। तो ऐसी रील बनाने के लिए देन इनको वायरल करवाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है वीडियो एडिटिंग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज है इसके अंदर जो कि वीडियो को वायरल करवाने में काफी हेल्प करती है। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स का चैनल बनाना चाहते हो, देन उसे काफी जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो ऐसी वीडियो बना सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफी जल्दी वायरल भी हो जाती है। पर भाई मुझे तो ऐसी वीडियो एडिटिंग करना ही नहीं आता, तो मैं सिखाऊंगा तेरे को वीडियो एडिटिंग, क्योंकि तूने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैं तेरे को ऐसी वीडियो एडिटिंग सिखाऊं ताकि तू भी तेरे अकाउंट को काफी जल्दी ग्रो करे, देन उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मैं जो आपको एडिटिंग सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा फोन के अंदर, क्योंकि भाई फोन तो सबके पास होता ही है। तो इसके लिए अभी मैं यूज कर रहा हूँ कैपकट का, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं अभी कैपकट को ओपन करता हूँ, देन यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके अपनी उस वीडियो को लेके आता हूँ जिसको मेरे को एडिट करनी है। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को ऐड कर लूँगा। देन वीडियो यहाँ पर मेरी ऐड हो चुकी है, देख सकते हो आप। अभी अभी मेरी वीडियो 2 मिनट 9 सेकंड की है, तो इसको मेरे को कट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट है जो कि फालतू की जगह घेर रहे हैं। तो इसके लिए एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ, देन जहाँ पर भी मेरे को कट लगाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं कट लगाऊंगा। हेलो हेलो, अब आप देख सकते हो कि मैं यहाँ से बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो इसके जो पहले का जो भी पार्ट होगा उसको मैं कट कर दूंगा। कट करने के लिए यहाँ पे स्प्लिट पे दबाऊंगा, देन ये अलग पार्ट हो चुका है, इसको अब मैं डिलीट कर दूंगा। ये सेम आईफोन मेरे दोस्त के पास था। अब देख सकते हो कि आप मैंने इतना ही बोला, देन इसके बाद मैंने गैप ले लिया, तो इसको भी अब मेरे को कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए सिंपली वापस सेम काम, देन जहाँ से बोलना शुरू करूंगा वहां तक। अब मैं यहाँ से बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे एक बार और कट लगाऊंगा, देन इसको डिलीट कर दूंगा। अब ये सेम काम मैं फटाफट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि आप मैंने मेरी वीडियो में जितने भी कटते हो सब कुछ लगा दिए। जो काम करेंगे हम हमारी वीडियो के अंदर जो कि ऑडियो के अंदर जो कि नॉइस होगी उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसके लिए सिंपली कैपकट में एक ऑप्शन आता है रिड्यूस नॉइस का, इस पर टैप करने के बाद, इसको ऑन करने के बाद मेरी वीडियो के अंदर जो भी फालतू की नॉइस होगी वो हट जाएगी। तो इसको भी मैं सब क्लिप में अप्लाई कर देता हूँ। देन अब जो काम करेंगे हम हमारी वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, देन यहाँ पर मेरे को मिलेगा एडजस्ट, इस पर जाके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन ब्राइटनेस सब कुछ देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पर आप अपने हिसाब से छेड़ सकते हो। तो एक बार मैं फटाफट मेरी वीडियो की कर लेता हूँ। अब मेरी फाइनल कलर ग्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ से टिक करने के बाद अभी ये मेरी सारी क्लिप पे पेस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक बटन आता है अप्लाई ऑल क्लिप, इसको दबाने के बाद ये सारी आपकी क्लिप होगी उसके ऊपर यही सेम एडिटिंग पेस्ट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी वीडियो लगभग 40% एडिट हो चुकी है। अब हम काम करेंगे सारा बी रोल का। तो बी रोल के लिए अब आप देख सकते हो कि मैं अपनी वीडियो में क्या क्या बोल रहा हूँ, तो वो मेरे को सारे बी रोल एड करने पड़ेंगे अपनी गैलरी में, देन यहाँ पे इंपोर्ट करके इस क्लिप में एडिट करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सिंपली मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या बोल रहा हूँ, देन उसको मैं डाउनलोड करता हूँ एक बार गूगल से, कहीं से भी मैं बता दूंगा आपको कि मैं कहाँ से बी रोल डाउनलोड करता हूँ, तो आप भी वहाँ से कर सकते हो। देन जो हो सकता है मेरे से मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले लगाएंगे हम बी रोल के अंदर। अभी मेरे को यहाँ पर एक कट है मेरा, तो इस कट को छुपाऊंगा मैं। तो सबसे पहले इस कट को छुपाने के लिए यहाँ से ओवरले पे जाऊंगा। ओवरले पे जाने के बाद यहाँ पर एड टू गैलरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। इसके अंदर आपके जो भी गैलरी के अंदर जो भी फोटो होगी वो सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से फटाफट मैं एक फिल्म बर्न ट्रांजिशन आता है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये है मेरा फिल्म बर्न ट्रांजिशन, तो इसको मैं लगाने के लिए सिंपली इसको एडजस्ट करूँगा। देन ये अब इस क्लिप के ऊपर आ चुका है। अब आप देख सकते हो कि ये ब्लैक हो गया, तो इस ब्लैक को हटाने के लिए मेरे को यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन पर टैप करना है, देन यहाँ पर फिल्टर वाले बटन पर टैप कर दूंगा और यहाँ से टिक कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी जो रोशनी है सिर्फ वही आ रही है, ना कि वो ब्लैक वाला पार्ट। किसी को पता ही नहीं लग सकता है कि यहाँ पर मैंने कट लगा रखा था, क्योंकि वो कट इस ओवरले के पीछे छुप चुका है, तो उसके पास था लेकिन वो अभी खो चुका है। ये तो बढ़िया हुआ कि उसके फोन के अंदर मैंने इस अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैंने इस सेटिंग को ऑन कर रखा था,
तो इस सेटिंग को ऑन करने के लिए यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि मैंने कुछ ऑन करा है। तो ऑन इसके लिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब से इसको डाउनलोड करा था, इसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप भी इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये ऑन करने का बेसिकली एक बटन है, तो इसको मैं ऐड करता हूँ एक बार। एंड इसके साथ एक ब्लू पार्ट भी आ रहा है, उसको हम क्रोमा की से हटा देंगे। मैंने इस सेटिंग को अब आप देख सकते हो कि ये लगभग फिट बैठ गया। अब इसके अंदर हम इस ब्लू पार्ट को हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए सिंपली इस पर वन टैप करेंगे। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कटआउट, कटआउट पर टैप करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रोमा की। क्रोमा की को इस ब्लू वाले पार्ट पर टैप कर देंगे, देन यहाँ से इसको आगे कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि ये इसको आगे करने के बाद ये मेरा ब्लू वाला पार्ट हट चुका है। देन यहाँ पर शेडो को भी फुल कर देंगे ताकि जो भी शेडो होगी वो यहाँ पर ऐड हो सके। देन यहाँ से टिक कर देंगे। टिक करने के बाद आप देख सकते हो इसके अंदर ये बढ़िया ट्रांजिशन हो रखा है। देन इसको अब मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके जहाँ तक मेरे को इसको रखना है वहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के लिए सिंपली इस पर करा और ये कट हो चुका है। तो ये सिंपली मेरा वन बी रोल लगा है। ऐसे मेरे को जो भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो के अंदर वो सारे बी रोल ऐड करने हैं, तभी हमारी वीडियो उन जैसी बनेगी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पर्सनल डेटा देन बैंक अकाउंट की। तो इसके लिए मेरे को एक पर्सनल डेटा के लिए कुछ इनवॉइस या कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा। देन बैंक अकाउंट के लिए मैं बैंक का फोटो लगा सकता हूँ। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली मैं गूगल पे आऊँगा, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा प्ले डॉट आइकन। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस पर टैप करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। देन यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर आप वो सर्च कर सकते हो। देन उसके बेसिस पे आपको फोटो प्रोवाइड करवा देगा और वो सारी फोटो PNG में होगी। यहाँ पर सर्च करा मैंने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी फाइलें आ गई जो कि मेरे को दिखा सकता हूँ। तो मेरे को अभी यहाँ के लिए ये वाली सही लग रही है, तो इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। देन यहाँ पर सेव टू फोटो का ऑप्शन आ चुका है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। अब ये मेरी फ़ोटो गैलरी के अंदर ऐड हो चुकी है। हम वापस कैपकट में जाएंगे। कैपकट में जाने के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट खुल चुका है। देन यहाँ पर मैं जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ उसको मेरे को वहाँ पर बी रोल ऐड करना है उस फोटो का। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पर्सनल अकाउंट, तो इसके लिए मैं जाऊँगा ऐड फोटो पे, देन फोटो में जाऊँगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने अभी डाउनलोड करा था। तो सिंपली इसको यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा, देन इसको छोटा करके अपने यहाँ पे सेट कर दूँगा। वे क्या है, सीधा आ रहा है, तो इसके अंदर हम एनिमेशन देंगे थोड़ा। तो एनिमेशन के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक एनिमेशन का, जो कि इनबिल्ट होते हैं कैपकट के अंदर। तो यहाँ से आप किसी भी एनिमेशन को लगा सकते हो। तो मैं अभी के लिए फिलहाल इसको लगा लेता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। देन इसको लगाने के बाद ये इस मेरी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो चुका है। देन यहाँ से सेम मैं फोटो बैंक अकाउंट की भी लाऊंगा, लेकिन अगर सेम फोटो लगाऊंगा तो थोड़ा कूल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बताता हूँ आपको, ऊपर जाके आप वन क्लिक में पेपर ट्रांजिशन वाला इफेक्ट बना सकते हो, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चलता है, देन काफ़ी कूल भी लगता है। तो इसके लिए हम सिंपली सफारी में आएंगे, देन यहाँ से उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सिंपली वन टैप करेंगे, देन यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गैलरी का। तो गैलरी में से यहाँ से बैंक की फ़ोटो को ऐड करेंगे, ये बैंक की फ़ोटो ऐड हो चुकी है। देन यहाँ यूज इमेज पर टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरी बैंक की फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसकी हल्की सी साइज़ बड़ा कर देंगे। देन इसके अंदर हम पेपर एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर दबाने के बाद ये पेपर एनिमेशन बन चुका है। देन अगर इसको आपको ग्रीन स्क्रीन में डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर आपको एक बटन देखने को मिलेगा, इस पर दबाने के बाद ये ग्रीन स्क्रीन में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले गूगल से साइन इन करना पड़ेगा, तो मैंने इसको साइन इन कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से साइन इन कर लिया वापस। देन यहाँ पर टैप करके ये ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, और सिंपली यहाँ पर वन टैप करके यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, वो भी वीडियो के अंदर। तो ये सिंपली डायरेक्ट मेरी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो देन वापस हम चलते हैं कैपकट के अंदर, देन यहाँ से अब उसको ऐड करेंगे। तो ये रहा मेरा बैंक अकाउंट का वीडियो, जो कि पेपर एनिमेशन में बनके तैयार हो चुका है। तो इसको सिंपली यहाँ से मैं ऐड कर लूँगा, देन इसको अपनी साइज के हिसाब से सेट कर दूंगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस तो मेरे को जितना पार्ट चाहिए बस उतना ही रखूँगा, देन आगे वाले पार्ट को स्प्लिट करके डिलीट कर दूंगा। अब इसका भी मेरे को ग्रीन कलर हटाना है, तो इसके लिए सेम वो क्रोमा की वाला खेल खेलेंगे। कटआउट पर जाके क्रोमा की पर टैप करेंगे, देन ग्रीन स्क्रीन को चूज करके इसको फुल कर देंगे। इसको फुल करने के बाद शेडो को भी फुल कर देंगे, देन यहाँ से टिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर भी ग्रीन कलर हट चुका है, डेटा देन बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। तो आपके साथ ये ना हो इसलिए आप इस सेटिंग को ऑन कर लो। तो यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं एक कि सेटिंग को ऑन कर लो। तो यहाँ पर मैंने सिंपली सेटिंग का फोटो डाउनलोड कर लिया था, देन इसको पेपर एनिमेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब उसको मैं एक बार में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
तो मैंने जो वेबसाइट बताई है आप उनका यूज़ करके ऐसे वीडियो बना सकते हो, देने बिल्कुल फ्री है, इनमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है आपको। तो आगे जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये पेपर एनिमेशन बढ़िया बन चुका है मेरा। देन इसको भी सेट करके ग्रीन स्क्रीन से इसको हटा देना है। अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि फेस आईडी माना है, तो इसके लिए मेरे को अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखानी होगी जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखी थी। तो आप भी ये सारा काम पहले कर लेना ताकि आपको एडिटिंग में ज़्यादा दिक्कत ना आए। देन जो भी आपको बीरोल चाहिए उसको पहले आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हो। तो इसके लिए मैं ऐड वाले पे जाऊंगा, देन उस वीडियो को लेके आऊंगा यहाँ पे। तो ये वाइट पेपर में एनिमेशन देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे बैकग्राउंड में ये देखने को मिलेगा। देन आप देख सकते हो कि अब ये मेरी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। देन इसके पीछे मेरे को वाइट पेपर का एनिमेशन देखने को मिल रहा है, ना कि मेरी वीडियो। तो अब जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे मेरे को यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैच करना है। तो इसके लिए मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे क्या क्या करना है। सिंपली आपको फेस आईडी पाना है। अब मैंने यहाँ पर बोल दिया कि फेस आईडी पाना है, तो उसके लिए थोड़ा मैं इस वीडियो को कट कर लूँगा क्योंकि थोड़े लंबी ज़्यादा है। देन इसको आगे से लगाऊंगा। सिंपली आपको फेस आईडी पाना है। देन यहाँ पर मैंने फेस आईडी जैसे बोला फेस आईडी पर क्लिक हो चुका है। देन अब मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा रहा हूँ, एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। आपको फेस आईडी पाना है। देन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको स्टूडेंट डिवाइस प्रोटेक्शन, इसको ऑन कर देना है। तो यहाँ पर मैंने बोला है जो कि सब कुछ एकदम मैच हो चुका है। देन जो भी फालतू वाला एरिया है उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। कभी भी वो आपके यूपीआई ऐप को यूज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यूपीआई ऐप को यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऐसी सेटिंग है। तो आप इस वीडियो को देख लेना, वो अभी आपके समझ में आ जाएगी। देन लास्ट में मैं आपको दिखाई दूंगा। तो इसके लिए मेरे को सिंपली यूपीआई ऐप की जो फेस आईडी होती है उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो शूट कर रखी है, उसको मैं यहाँ पे ऐड वॉल पे जाके ऐड कर लेता हूँ। देन आप देख सकते हो कि वीडियो मेरी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। देन इस वीडियो के अंदर साउंड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम पे जाके इसका माइनस कर दूंगा साउंड, ताकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं सुनाई दे हमको। अभी ये पार्ट मेरे को यहाँ तक चाहिए। देन इसका पार्ट को मैं आगे वाले को डिलीट कर दूंगा। देन ये आगे वाले की तो हल्की सी थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा ताकि थोड़ा जल्दी हो। तो इसके लिए मैं 1.2x पे टैप कर दूंगा। देन ये 1.2x पे सेट हो चुका है। यूपीआई ऐप को यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ फेस आईडी से अनलॉक होगा। इसका मतलब अब यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं आईफोन वाले दोस्तों को शेयर कर दो। तो इसके लिए मैंने एक शेयर वाला एनिमेशन बना रखा है, उसको मैं ऐड करता हूँ। आईफोन वाले दोस्तों को शेयर कर दो ताकि उनका पर्सनल अकाउंट बच सके। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने मेरी वीडियो में लगभग जितने भी बीरोल लगने चाहिए थे वो सारे लगा दिए। देन जहाँ पर मैंने बीरोल नहीं लगाए वहाँ पर मैं टेक्स्ट का यूज़ करूँगा ताकि मेरी वीडियो कूल देखने को मिले। तो यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी एनिमेशन नहीं है। देन यहाँ पर मेरा फिल्म बन इफेक्ट आ चुका है, लेकिन ये वाला एरिया मेरे को खाली लग रहा है, तो इसको मैं एक बार टेक्स्ट से फिल करूँगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। देन आप इसको प्ले करके देख सकते हो कि आप जहाँ जहाँ बोल रहे हो बस ये वहीं सेट होने चाहिए, नहीं तो ये आपकी वीडियो में अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। सिंपली आपको फेस आईडी देखा कितना अच्छा लग रहा है। देन इसको सेम प्रोसेस हम लास्ट में भी करेंगे। तो सिंपली थोड़ा सा कोने पे रखेंगे इसको। देन इसको फुल स्क्रीन करके यहाँ ब्लेंड वाले ऑप्शन पर टैप करके फिल्टर कर दूंगा ताकि ये नॉर्मलाइज हो सके। ऑन कर देना है इसको ऑन। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो कि जहाँ पर सही लगे बस वहीं पर यूज करना, फालतू ज़्यादा यूज मत करना, नहीं तो आपकी वीडियो बिगड़ जाएगी। हमारी वीडियो में लगभग सब कुछ एडिट हो चुका है, बस हमें अब करना है इसके अंदर साउंड इफेक्ट ऐड। तो इसके लिए सिंपली ऐड ऑडियो पे जाऊंगा, देन यहाँ से एक्सटेंड पे दबा के अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करूंगा। अब जहाँ पे भी मैंने बीरोल का यूज़ करा है वहाँ पर मैं क्या है साउंड इफेक्ट यूज करूंगा, वो थोड़ा साउंड इफेक्ट के कारण उभर के आएंगे तो वो हमारी वीडियो को कूल बनाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए मैं सेटिंग का ऑन करा है, तो इसके लिए कुछ साउंड इफेक्ट ढूंढता हूँ। साउंड इफेक्ट को मैं जहाँ पर मेरे को इसको प्लेस करना है वहाँ पे ले जाके छोड़ दूंगा। देन अब मैं इसको मैच करूँगा कि एग्जैक्ट टाइम पर बजे, तो उसको एडजस्ट कर लूँगा अपने हिसाब से जहाँ पे मेरे को इसको बजाना है। अब आप साउंड सुनना। फोन के अंदर मैंने इस सेटिंग को कर रखा था। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही ऑन हो रखा है बटन वैसे ही साउंड आ रहा है। तो इसको थोड़ा हल्का सा एडजस्ट करूँगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पर नहीं आ रहा। हाँ अब आप देखना इस सेटिंग को कर रखा था। तो अब आप देख सकते हो कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे प्ले हो रहा है। देन ऐसे ही मैं जहाँ पे भी मैंने ये यूज करे हैं एलिमेंट्स वहाँ पर साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ।
तो मैंने मेरी वीडियो में जितने भी साउंड इफेक्ट लगाने थे वो सारे साउंड इफेक्ट लगा चुका हूँ। अब आप इसका सुन सकते हो साउंड की कैसा रहा है। फोन के अंदर मैंने इस सेटिंग को कर रखा था, इसके कारण उसका अभी तक भी पर्सनल डेटा देन बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। तो आपके साथ ये ना हो इसलिए आप इस सेटिंग को ऑन कर लो। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको फेस आईडी में आना है, देन आप देख सकते हो कि कितना कूल लगता है ये। अगर आप ऐसे बी रोल का यूज करोगे, ऐसे ट्रांजिशन का यूज करोगे, देन अभी मेरे को यहाँ पर कुछ खाली खाली सा स्पेस लग रहा है, तो यहाँ पर भी मैं एक बार फिल्म बर्न इफेक्ट को लेके आऊंगा। अब आप देख सकते हो कि कितना कूल लग रहा है। मेरी वीडियो लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है लगभग। अब मैंने यहाँ पर इसका यूज करा था, इस क्लिप का, तो ये क्लिप को मैं ना फोन का यहाँ पर PNG लगाऊंगा ताकि ये मेरी क्लिप ऐसा लगे कि फोन के अंदर प्ले हो रही है। तो इसके लिए भी मैं ओवरले पे जाके गैलरी में से उसको ले आऊंगा जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। मैंने यहाँ से इसको ऐड कर लिया है, तो अब इसको ऐड करने के बाद इसको पूरा फिल कर दूंगा जहाँ जहाँ मेरे को इसको लगाना है। देन ये लगभग लग चुका है, अब मैं इसको सेट करूंगा अपनी क्लिप के ऊपर। फाइनल मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, देन आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसी एडिट करी है। ये सेम आईफोन मेरे दोस्त के पास था लेकिन वो अभी खो चुका है। ये तो बढ़िया हुआ कि उसके फोन के अंदर मैंने इस सेटिंग को कर रखा था, इसके कारण उसका अभी तक भी पर्सनल डेटा देन बैंक अकाउंट का बैलेंस बचा हुआ है। तो आपके साथ ये ना हो इसलिए आप इस सेटिंग को ऑन कर लो। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको फेस आईडी में आना है, देन यहाँ पर देन अब मेरे को इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ 1080p 30fps, देन बिटरेट को सेट करता हूँ मीडियम में, बाद फाइनल करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने में मेरी 2 रात और 1 दिन खराब हो चुका है। कभी क्या खराब हो जाता है, कभी क्या खराब हो जाता है, लेकिन फाइनली आज मेरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो मिलता हूँ मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।